हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली जीएस। आज हम यहाँ पर अनुच्छेद के टॉप 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद से लगभग सभी एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, पीसीएस, हर एक एग्जाम में यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, सभी एग्जाम में अनुच्छेद से लगभग एक प्रश्न तो जरूर पूछा जाता है। तो इसलिए यह टॉपिक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं जो भी प्रश्न कराऊंगी वो सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि किस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्न को कौन से पेपर से लिया गया है ये भी यहाँ पर लिख दिया है, तो आप देख सकते हैं सभी एग्जाम के प्रश्न होंगे मिले जुले, तो इससे आपको समझने में आसानी होगी कि एग्जाम में पेपर कैसा आता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, और ये जेपीएससी 2003 का प्रश्न है। तो वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं इस समय हमारे संविधान में, लेकिन जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था तो उस समय कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अनुसूचियां उस समय 8 अनुसूचियां थी और प्रेजेंट टाइम में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है, लेकिन जो हमारा ये अनुच्छेद है इसकी भी संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन इसमें नंबर के साथ में नहीं। जैसे मान लीजिए कि अनुच्छेद 19 है तो इसमें का खा गा करके कुछ अन्य अनुच्छेद जोड़े गए हैं, जैसे 39 अनुच्छेद में का खा जोड़ा गया, तो इस प्रकार से जोड़ा गया है, नंबर वाइज नहीं जोड़ा गया है। तो इस हिसाब से हमारे वर्तमान समय में अनुच्छेद की संख्या 40 से भी ज्यादा हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में 40 से ज्यादा अनुच्छेद हैं, लेकिन वह सभी अनुच्छेद 395 के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संघ क्या होता है आप यहाँ मैप में देखिए, भारत 28 राज्य, भारत में 28 राज्य है प्रेजेंट टाइम में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी हाल ही में दादर नगर हवेली और दमन दीव को विलय के पश्चात उसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और इसकी राजधानी क्या बनाई गई है, तो दमन बनाई गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है करंट से कि दादर नगर हवेली और दमन व दीव का विलय कर दिया गया है, इसकी राजधानी दमन को बनाया गया है। तो इस हिसाब से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान समय में। तो मैं आपको राज्यों का संघ बता रही थी, तो भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। तो ये जो भी प्रदेश है हमारे देश के, जो भी राज्य हैं, यह सभी भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यह अलग अलग होने के पश्चात भी राज्यों का संघ है, तो इसका मतलब यही हुआ कि भारत राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है, तो यह दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में सभी हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं 12 से 35 में, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं, लेकिन जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था तो उस समय 7 मूल अधिकार थे, इसमें से संपत्ति के अधिकार को हटाकर अब कहाँ रख दिया गया है, 300 का में रख दिया गया है, इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। या पहले किस अनुच्छेद में था, तो 12 से 35 के बीच में अनुच्छेद मूल अधिकार दिए गए हैं यहाँ पर, तो यह अनुच्छेद 31 में दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को अब हटाकर कहाँ कर दिया गया है, अनुच्छेद 300 का में विधिक अधिकार बना दिया गया। तो ये ध्यान रखना है कि मूल संविधान में टोटल 7 अनुच्छेद थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 6 अनुच्छेद है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है, तो यह किया गया है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में ये दिया गया है कि भारत की संसद को विधि के द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश की जो संसद है उसे भारत में नए राज्यों के प्रवेश
या नए राज्य बनाने के लिए शक्ति दी गई है। तो यहाँ पे आप मैप के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं मैप से आपको बता दे रही हूँ। इसका मतलब क्या होगा कि मान लीजिए भारत में अगर किसी नए राज्य का प्रवेश करना है तो हमारी संसद कर सकती है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और इसे अब हम नया राज्य बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए कानून कौन बनाएगा? अनुच्छेद यहाँ पर संविधान संशोधन के माध्यम से किया जाएगा। और यह कौन करेगा संशोधन? तो यह संसद के द्वारा किया जाएगा। हम इसे नया राज्य बना सकते हैं भारत का। अगर भारत कहीं पर भी किसी भी बाहर भारत के किसी भी बाहर के क्षेत्र पर अधिकार करता है तो उसे नया राज्य बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। और यह कहाँ बताया गया है? अनुच्छेद 2 में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिया गया है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो यह है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए 5 तरह की रिट जारी कर सकती है। और ये रिट कौन कौन सी होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रारंभ आदेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार पृष्ठ लेख। तो ये 5 तरह की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए। और इस अनुच्छेद को, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा है। और यह किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 169 के अंतर्गत किसी भी राज्य में विधानसभा की स्थापना और समाप्ति की जा सकती है। और यह समाप्ति और वर्तमान समय में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद दिया गया है। और ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो यह राज्य है पहला उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये 6 राज्यों में दिया गया है। आप यहाँ मैप में देख लीजिए, यहाँ पर ये दिया गया है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और उसके बाद आ जाता है, और यहाँ पर नीचे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 राज्यों में वर्तमान समय में विधान परिषद दी गई है। और विधान परिषद को विधानमंडल का उच्च सदन कहा जाता है। जैसे संसद में राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, उसी तरह से राज्य में विधान परिषद को विधानमंडल का उच्च सदन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो यह अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता के उन्मूलन को अनुच्छेद 17 में दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो यह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 57 में दिया गया है भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं। अनुच्छेद 52 में दिया गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 में दिया गया है। और अनुच्छेद 54 में दिया गया है भारत के निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस विधान सभा के सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और प्लस दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। और अनुच्छेद 61 में दिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत दिया गया है। और वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो यह अनुच्छेद 19 में दिया गया है
भाषण एवं अभिव्यक्त की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी हमें अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 के 1 में। इसमें दिया गया है बोलने की स्वतंत्रता आती है, तो बोलने की स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 के ए में दिया गया है, 19 के फर्स्ट में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अंतर्गत हमें शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है, अनुच्छेद 19 के बी में दिया गया है। और सी में दिया गया है संघ बनाने की स्वतंत्रता, और डी में दिया गया है अनुच्छेद 19 के डी में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद ई में दिया गया है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता दी गई है, और ई के बाद जी में दिया गया है कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित है अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो यह संबंधित है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में दिया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो यह बच्चों के शोषण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो यह अनुच्छेद 40 दिया गया है। इसे के अंतर्गत हमारे देश में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। तो यह दिया गया है अनुच्छेद 53 में दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। मतलब भारत के जो भी कार्य किए जाएंगे वह राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख करता है? तो यह अनुच्छेद 61 में दिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना 14 दिन पूर्व दी जाएगी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है आपको कि राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व महाभियोग की सूचना दी जाएगी, इसके बाद ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, और महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। संसद के लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पहले यह महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 63 में किया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे, और उपराष्ट्रपति हमारे राज्यसभा के पदे सभापति भी होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए उन्हें वेतन नहीं दिया जाता, वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और यह अनुच्छेद 64 में दिया गया है और 89 में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो यह अनुच्छेद 75 में दिया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अगर मंत्रिपरिषद अपना मत लोकसभा में नहीं रख पाती है तो उसे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो यह वही प्रश्न हो गया, अनुच्छेद 75 में दिया गया है। नेक्स्ट है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है, अनुच्छेद 108 में किया गया है। और यह आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त अधिवेशन का आवाहन भारत के राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता की जाती है वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है,
आह्वान बुलाया जाता है, जो वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन को, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है, और यह अनुच्छेद 108 में दिया गया है। नेक्स्ट है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है, धन विधेयक को, और धन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए जब भेजा जाता है तो राष्ट्रपति इसे लौटा नहीं सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि धन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी ही देनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। वर्तमान समय में जो कृषि बिल लाया गया था, पिछले इस समय जिस पर आंदोलन हो रहा है, पिछले वर्ष 2020 में कृषि बिल आया था, यह अध्यादेश के द्वारा ही आया था। यह आपको ध्यान रखना है, इसे आप याद रख सकते हैं कि यह अध्यादेश अनुच्छेद 123 के अंतर्गत लाया गया था। जब संसद का सत्र नहीं चलता है तो उस समय अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? तो यह अनुच्छेद है 143। ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जो परामर्श लेते हैं वह उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, जो वह उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेते हैं वह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, और यह परामर्श वह अनुच्छेद 143 के अंतर्गत लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है, तो यह न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, जिसके अंतर्गत एससी और एससी 5 तरह के रिट जारी कर सकते हैं अगर किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 245। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। आपको याद होगा कि संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्ति के बंटवारे के लिए 3 सूची बनाई गई है, जिसमें है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इन तीनों सूची से जो भी विषय नहीं आते हैं, इन तीनों सूची में जो भी विषय नहीं आते हैं वह अवशिष्ट होते हैं, अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं उन्हें, और यह केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। और वर्तमान समय में इसमें कितने विषय हैं? तो इस सूची में वर्तमान समय में 100 विषय हैं, केंद्र सूची में, संघ सूची में वर्तमान समय में 100 विषय हैं, और राज्य सूची में 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची में इस समय 52 विषय हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों में इस समय इतने ही 100 हैं संघ में, 61 हैं राज्य में, और 52 हैं समवर्ती सूची में। और इसके अलावा जो भी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ भारत की संसद को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद है 249। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषय पर कानून बना संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो यह भी है अनुच्छेद 253। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है वह अनुच्छेद 280 में दिया गया है। वित्त आयोग की सिफारिशों को अनुच्छेद 281 के अंतर्गत
राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है। और इस समय 15वां वित्त आयोग का गठन किया गया था, 2017 में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था, और यह 2021 से लेके 2026 तक के लिए अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। और इसके अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। तो हाल ही में इनकी रिपोर्ट आई है, तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है। एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के गठन है, जिसका गठन 2017 में किया गया था, और यह 2021 से लेके 26 तक के लिए अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है अनुच्छेद 300 का में। मैंने अभी ऊपर आपको बताया था मूल संविधान के प्रश्न के साथ में कि अनुच्छेद 31 से संपत्ति के अधिकार को हटाकर अब अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है, और यह 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया। तो ये भी ध्यान रखना है कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 में रखे गए संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो यह अनुच्छेद 312 है, इसी के अंतर्गत IAS, IPS और IFS ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 224 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। निर्वाचन आयोग का प्रावधान भाग 15 में किया गया है, अनुच्छेद 324 में। और निर्वाचन, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 338 एवं 338A में किया गया है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी? तो यह किया गया है अनुच्छेद 343 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? तो यह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया जाता है, और 356 में राष्ट्रीय आपातकाल दिया गया है, और 360 में वित्तीय आपातकाल दिया गया है। वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लागू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 356 में किया गया है, 356 में किया गया है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया करना। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, और यह कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक ही बार के लिए किया गया है, एक ही बार हुआ है, और वह अनुच्छेद 352 में हुआ है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। अगर खुद अनुच्छेद 368 में भी संशोधन करना हो तो वह भी 368 के अंतर्गत ही किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371A किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो यह है नागालैंड। नागालैंड को 371A के अंतर्गत असाधारण विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो अनुच्छेद 15 दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो 371 में दिया गया है कि विभिन्न राज्यों में विशिष्ट प्रावधान किए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371G में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो जी दिया गया है मिजोरम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर
मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो यह किया गया है 350 में कि राज्य मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए प्रावधान करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है कि राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रावधान करेगा। और यह जो नीति राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं यह राज्यों के लिए होते हैं, और जो मूल कर्तव्य होते हैं वह जनता के लिए होते हैं, आम लोगों के लिए, और जो मौलिक अधिकार होते हैं वह सभी के लिए होते हैं मौलिक अधिकार, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को कोर्ट के द्वारा लागू किया जा सकता है, लेकिन मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं करवाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में। अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है कि समानता का अधिकार, यह 5 अनुच्छेद कौन से हैं? 14, 15, 16, 17 और 18। अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समता। समता, विधि के समक्ष समता का क्या मतलब हुआ कि कानून के लिए सभी लोग समान होंगे, चाहे वो कोई एक रिक्शा चलाने वाला हो या फिर कोई हमारे देश के मुकेश अंबानी ही क्यों ना हो, वह सभी कानून के लिए अगर किसी ने कोई अपराध किया गया है तो उसे बराबर सजा दी जाएगी, किसी को कम या ज्यादा सजा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 15 में दिया गया है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, सभी को लोक नियोजन कार्य करने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। और 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है और 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 355 में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 148 में दिया गया है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के बारे में। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष, जो भी पहले होता है। कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है और इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और इनका जो प्रावधान किया गया है वह संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण एवं संरक्षण एवं पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 48 के ए में दिया गया है यह मूल कर्तव्य है। 48 ए में दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति, भारत का प्रत्येक नागरिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार के लिए अपना योगदान करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो अनुच्छेद 360 का प्रयोग इसमें क्या दिया गया है, वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक लागू नहीं किया गया है। अनुच्छेद 52 में दिया गया है राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 335 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 में दिया गया है समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट है, भारत के संपूर्ण भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो यह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है।
भारत के किसी भी भाग में आवागमन करने की शक्ति, और यह अनुच्छेद 19 के डी में दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो अनुच्छेद 30A में दिया गया है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए किया गया है? तो नए राज्यों का गठन किया जाएगा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। मैंने ऊपर आपको बताया था अनुच्छेद 2 के अंतर्गत भारत के बाहर अगर किसी भी राज्य का गठन करना है, मान लीजिए मैं आपको मैप की सहायता से बता रही हूँ, भारत में अगर किसी भी नए राज्य का गठन करना है और वह भारत के अंतर्गत करना है, तो यह संसद करती है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अगर भारत में मान लीजिए उत्तर प्रदेश को दो भागों में बांटना है, दो राज्य में बनाना है, तो यह भारत की संसद करेगी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। और अगर भारत के किसी बाहरी हिस्से को भारत के अंदर नया राज्य बनाना है, तो वह अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किया जाएगा, और यह भी संसद के द्वारा किया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 2 और 3 में आपको जो डिफरेंस है वो ध्यान रखना है कि तीन के अंतर्गत दिया गया है कि भारत के अंदर ही आप भारत के नाम क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, अनुच्छेद 2 में आप भारत के बाहर किसी भी हिस्से में परिवर्तन करके उसे अपने भारत का हिस्सा बना सकते हैं, राज्य बना सकते हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, या धर्म, लिंग, जाति के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 347 में किया गया है, और SSC 2020 में यह पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में यह प्रावधान किया गया है कि यह समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के 22 के बीच दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह अनुच्छेद 23 24 में दिया गया है, और अनुच्छेद 25 से 28 के बीच दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है, और अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया है जो कि संविधान के मूल अधिकार में संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण करता है? तो यह प्रश्न रिपीट हो गया है, क्योंकि कई बार यह सारे प्रश्न हर एक एग्जाम में लगभग साल में एक आध बार जरूर पूछे जाते रहते हैं, तो यह रिपीट होते रहते हैं, और यह दिया गया अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है होता है। तो इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखे जहाँ से एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही।